नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ईद के त्यौहार पर भी बरसा कोरोना का कहर। हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाने वाले ईद के त्यौहार का इस वर्ष कोरोना वायरस के चक्कर में घरों तक ही सिमट कर रह गया है। देश भर में फैले कोरोना वायरस जैसी महाबीमारी के चलते मुस्लिम भाइयों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ मांगी कि देश भर में फैली इस कोरोना जैसी महामारी से हम सभी देशवासियों को जल्द से जल्द छुटकारा दिलाया जाए, जिससे आने वाले त्योहारों को हम सब भाई मिलजुल कर मनाएं। गौरतलब है कि हर वर्ष ईद के त्योहारों पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाई ईदगाह पर पहुंचकर नमाज अदा करते हैं और सभी भाई एक दूसरे के गले भी मिलते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस ने गले मिलने के लायक भी नहीं रहने दिया। वहीं सभी ने अपने अपने घरों पर नमाज अदा की और हाफिज अजीम रजा का कहना है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना हमारा पहला कर्तव्य है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर में स्थित मस्जिद पर 4 लोगों ने मिलकर नमाज अदा की है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजीम रजा। आज जो आपकी ईद का त्यौहार है जी, तो इस टाइम थोड़ा फीका लग रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फीका तो इसलिए क्योंकि हमें हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करना है और जो महामारी जो चल रही है उसके बचाव के लिए हम लोगों ने इस बात को अपने हिंदुस्तान के कानून को अपनाया है और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ये नमाज अदा की है। और बस यही है और दुआ भी हमने ये की है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को इस दुनिया से दूर फरमाए।